रोल रोल। सर आज की किस तरह का खुशियां मना रहे हैं आज, मतलब बेटी के आगमन पे क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी भाई है आप? सबसे बड़े तो लक्ष्मी घर पे आई है बेटी, बेटी मतलब हर बाप की चाहत बेटी होती है। सबसे बड़ी बात है कि बेटे एक टाइम पे बाप को ठुकरा सकते हैं पर बेटी कभी नहीं ठुकराएगी भाई, नाज होना चाहिए हर इंसान को अपनी बेटियों पे। तो मैं बड़ा छाती बड़ी चौड़ी और मैं अपनी नन्ही सी परी को अभी बस हॉस्पिटल से घर लेकर आया, शायद इतना इंसान आज खुश नहीं, इतना मैं आज खुश हूँ। बेटी एक लक्ष्मी होती है, लेकिन समाज में आजकल बहुत कुछ देखा जा रहा है बेटियों के प्रति, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की उस सोच को जो बेटियों के प्रति बहुत ही घृणा की नजर से? आज की डेट में लड़कों से लड़कियां कहीं भी कम नहीं है, कहीं भी कम नहीं है, हर जगह पे आप देखोगे आज कदे से कदे बुढ़ापे तक बाप के सपोर्ट में आती है लड़कियां। शादी के बाद में भी अपने फादर्स को मदर्स को देखती हैं जो सपोर्ट बनती हैं। आज हमें ले लो यार, किसी मुझे ले लो, अपने आप को ले लो, आप लोग कितने माँ बाप के प्रति का आप लोग कर पाते हैं, इतना लाइफ में रुझ गए कि सिर्फ फोन तक रह गए हैं लाइफ, ज़्यादा होता तो पैसे भेज देते हैं हम लोग, यही है ना लाइफ, सच्चाई है कि नहीं? सच्ची है। तो बेटी ऐसे नहीं करती, बेटी नहीं करती है। कितना मानते हैं कि बेटी लक्ष्मी होती है, कितना प्रैक्टिकल में जैसे होता है कि बेटी आती है तो बहुत तरक्की होती है, इतना क्या भाई मेरी बेटियां तो मेरी लक्की छा, मैं तरक्की मेरी बेटी ने आगे बात करी है, अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। क्यों जी क्या ड्रीम है उसके बारे में बताएंगे, बेटियों को लेके आगे क्या उनकी फ्यूचर? फ्यूचर यार मैंने अपनी बेटी को मतलब मेरे दोस्तों की तरह, अब मेरी बेटी को मुझे पूछोगी आपके डैड है तो बोले नहीं नौकर है, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं पूछ सकता। तो मेरी बेटी को पूछोगे ना कि आप कि आपके डैड है कि कौन है, साहब बोले कि मेरा नौकर है। अच्छा सर, मैंने बहुत फ्रीडम देखेगा दोस्तों रखा हुआ, दोस्तों की तरह मेरा मतलब रिश्ता बाप बेटी का नहीं, दोस्त का रिश्ता है, वो रिश्ता रखा आपने। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग बच्चे को जिस टाइम प्यार दे रहे थे अंदर, तो उस टाइम आपने कुछ क्लैप के अंदर माही करके कुछ हम लोगों ने देखा, क्या उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मारी एक माही जी, माही। तो मेरा सबसे बड़ा ये था कि मेरी बेटी आए मेरे स्क्रिप्ट पे लक्ष्मी पैर रखे और क्लैप उसके हाथ लगे तो मैं स्टार्ट करूँगा, तो मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहा था जी। तो आज खुद की स्क्रिप्ट भी मुझे आज ही मैंने मंगवाई, स्क्रिप्ट मेरी एक सवा महीने कंप्लीट पहले हुई थी, तो इसलिए इसको लिखा है अमित खान जी ने जी, इनके 100-200 से ऊपर नॉवल आए हुए हैं, और नॉवल मतलब बुक की हिस्ट्री में बड़ा नाम है उनका। अच्छा, एक होता है कि हमारे समाज में के लड़के के एक नाई नाम जो है माही लिखा जाता है, रखा जाता है, बोला जाता है, लेकिन आपका एक संदेश है माही के थ्रू से समाज के लिए, तो ऐसा क्या संदेश है माई के थ्रू से? आजकल टिपिकल जो पंजाब में मतलब पंजाब क्या कहीं भी लोगों का टिपिकल किस्सा है जी, कि आज पंजाब में हम लोग कहीं भी रिश्ता पंजाब से अब्रॉड से लड़का आया और रिश्ता किया, हम देखते भी नहीं है उसको कि ये आया कहाँ से, करता क्या है, अब्रॉड में क्या नहीं, बस बाहर से आया और रिश्ता कर दिया जी। तो मैं कुछ डिफरेंट सा कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ उसके लिए, अमी फिल्म की लड़की जो मेन लीड है उसका नाम है माई। यस सर। अच्छा सर, जैसे अभी हमारे समाज में लड़की के प्रति कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़के सबसे अच्छा बोझ समझते हैं, मतलब बोझ नहीं समझते, बोझ तो है, ऐसा कोई नहीं समझता कि लड़की को बोझ नहीं समझता, मगर ये समझते कि नहीं इसकी वजह से यार हमारा थोड़ा सा कुछ रेपुटेशन खराब होता है। तो आप जिस पांचों में से जिस मर्जी से बेटी के बारे में पूछ ले जी, जी बात देखी आएगी। हाँ, चाहे स्टार्ट यहाँ से कर ले, यहाँ से कर ले। सर हम आपसे पूछेगी तो हमारे लिए तो एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी, लेकिन हम जनता को एक आपके थ्रू से एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लड़कों को ही क्यों प्यार करें, लड़की को क्यों नहीं? देखो क्या होता है कि देखो हर मैं आज अब मेरी मैं आपको अपनी हिस्ट्री बता रहा हूँ जी। मेरी यहाँ बेटी आई, मेरी बेटी आने के बाद मेरे सभी दोस्तों का क्या होता कि ओह कोई बात नहीं बेटी आई है यार टेंशन मत ले। भाई किस बात की टेंशन,
पहला वर्ड टेंशन, मतलब किस बात की टेंशन, क्यों टेंशन ली जाए, लेकिन जब उसने लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा, इसलिए ना। और बेटी आज की डेट में मुझे लगता है कि लड़कियाँ किसी लड़कों से कम होनी चाहिए, और लड़कियाँ मेरी मतलब आज हर चीज़ में आगे हैं यार, आगे है, हर चीज़ में आगे है, चाहे इमोशनल में ले लो, चाहे पढ़ाई में स्टडी में ले लो, चाहे और किसी चीज़ में लो, हर चीज़ में ही आगे हैं। अच्छा बात करेंगे, आने से पहले आपने बहुत सारी कुछ तैयारियाँ कुछ सोचा होगा, वो क्या होगा मतलब? मैं यार मैं सुबह से लगा था, तीन चार दिन से शॉपिंग ही चल रही है बस, तीन दिन से मतलब मेरी शॉपिंग चल रही है उसकी, कभी ये कभी वो कभी वो, मेरे खुद के आस पड़ोस वाले दुखी हो चुके हैं मेरे से, हर दो घंटे में बाजार में होते हैं हम लोगों को। नामकरण के बारे में बताएंगे कुछ, नाम क्या सोचा यार? अभी एक वीक के बाद मैं गुरुद्वारे जाऊँ, गुरुद्वारे में से पाठ है, पाठ के बाद जो भी बाबा जी की तरफ से अक्षर पहले लिख लेगा उस हिसाब से मैं नाम। बात करें कामयाबी किस किस क्या बनाना चाहते हैं? यार मेरी तरफ से पहला उसको फ्रीडम मैं पूरा दूंगा, मैं कोई प्रेशर नहीं करना चाह रहा बच्चों के ऊपर कि वो ऐसा हो कि मुझे डॉक्टर ही बनाना है, थोप दूँ वो इनकी, उनको इतना फ्रीडम मेरे पास है कि वो जो चाहे मैं फुल सपोर्ट करूँगा। एक्चुअली उनकी चॉइस होनी चाहिए कि उनको कौन सा स्टडी करना है, उनको कौन सा मतलब कि फील्ड चुनना है। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये सुना है कि एक फिल्मी कार एक फिल्म मेकर है सर, और उनकी सोच ऐसी है कि जो सोचते हैं कि जो बच्चे चाहेंगे, जो बच्चे की सोच है उसके अंदर हम ध्यान देंगे। तो यही मैसेज आप आपके हिसाब से जनता को बताएंगे कि लड़की और लड़कों में कितना फ़र्क करना चाहिए? यार कोई फर्क नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से लड़कियों को ज़्यादा प्यार करना चाहिए, लड़कों को कम, क्योंकि लड़के साले हमेशा कमी नहीं होती। यस सच्चाई है ना, सच वाली बात, सच वाली बात। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ देना चाह रहा हूँ। जी सर, एक फिल्म आई थी दलजीत की उड़ता पंजाब, जी जानते हैं आप, सुनिए याद है आप लोगों को? यस यस, आलिया भट्ट और अभी फिलहाल आ चुकी है, अभी फिलहाल आ चुकी है, मैं उसके पॉइंट फिल्म ला रहा हूँ, उसके पॉइंट ला रहा हूँ और रिप्लेस कर रहा हूँ दलजीत का बलजीत, दलजीत का बलजीत रिप्लेस मार रहा हूँ, जो उन्होंने पंजाब दिखाया है वो पंजाब आई है, वो पंजाब नहीं है, अब नशे में पंजाब डूबा नहीं है, हर घर में नशा नहीं है, थोड़े से पैसों के लिए पंजाब को नहीं बेचो यार, पंजाब पंजाब है, अगर 84 में पंजाब को आप उजड़ा है, पंजाब सन 47 में पंजाब को उजाड़ा गया है, तो बस करो यार पंजाब को, और कितना बेचोगे? नहीं जैसे कि इस फिल्म में उड़ता पंजाब में दिखाया कि बहुत सारे लोग नशीले नशा करते हैं, लेकिन वर्तमान में देखा जाएगा तो पंजाब से जितने लोग फौजी में हैं हर हर जगह पे हैं, उतना कहीं भी नहीं है। अभी इसके बारे में आप बता दीजिएगा। देखो पंजाब में जब हिंदुस्तान की लड़ाई किसी चाहे पाकिस्तान से लगी है, हमारे तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान से ही होती है लड़ाई, तब भी हुई या कुछ भी कहीं भी कोई टेररिस्ट का पंगा होता है, चाहे कश्मीर में ले लो, चाहे कन्याकुमारी ले लो या कहीं भी ले लो, तो सबसे पहले किसको भेजा जाता है? सरदार जाते हैं, और तो नहीं भाई। तो मैं आप आज दिखा रहे, अगर पूरा पंजाब, मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको, हमारे गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल साहब दरबार साहब, आप लोग सभी लोग कहे होंगे यार, दरबार साहब में आज भी चार दरवाजे उसके, वो दरवाजे चार क्यों बना के थे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनके हिसाब से चार दरवाजे बनाने की सबका वेलकम है। वो गुरुद्वारा हमारा दरबार साहब पूरे हिंदुस्तान को एक महीने खाना खिला सकता है, हिंदुस्तान जमीन पे आ जाए तो भी पूरे हिंदुस्तान को एक महीना खाना खिला सकता है दरबार साहब। तो आप किस नशे की बात कर रहे हो भाई? मैं तो ये पूछ रहा हूँ जितना पंजाब पंजाब में का पूरे हिंदुस्तान को जितना पंजाब धाम देता है, खाना देता है, और किसी स्टेट से दिखा दीजिए। आपने अच्छा किया कि आपके माध्यम से जो उन लोगों ने मोड़ता पंजाब देख के जो उनके अंदर मन के अंदर जो भावनाएं बैठी थी, सोच बैठी थी, आपने पैसों के लिए फिल्म बनाई थी सिर्फ उड़ता पंजाब? जी मैं पैसों के लिए फिल्म नहीं बना रहा, मैसेज के लिए दे। मैं मैसेज के लिए फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा माही प्रोजेक्ट आप बना रहे, तो क्या क्या इसकी स्टोरी क्या होगी, कुछ हल्का सा थोड़ा सा? नहीं यार कुछ अभी मैं रिवील नहीं करना चाह रहा, थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा हल्का सा इशारों इशारों में। रोमांटिक है, रोमांटिक फिल्म है यार, लड़की बेस पे फिल्म है और रोमांटिक फिल्म बना रहा हूँ। सर आप लोग बताइए किस तरह खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं आज?
आप लोग यहाँ चाहती है, पूछने का हक बनता है आप लोग क्या, और आप क्या चाहते हैं? कितनी कितनी खुशी फील हो रही है आपको आज भतीजी आई है? एक्चुअली क्या है कि भाई जैसे ना बहुत कम लोग अपने समाज में कि जो बेटियों को इतना अपडेट करते हैं, नहीं तो आज की डेट में आप सब लोगों को तो मालूम है कि बेटी को कैसे देखा जाता है जी। और मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग आने चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें ना जाना चाहिए ऐसी सोच के ऊपर कि हम लोग बेटियों को अगर आगे लेके आएंगे, क्योंकि उसी कोख से हम पैदा हुए हैं, वही वही माँ है ना, वही बहन, उसी कोख से हम निकले, तो उस कोख को हम बुरा क्यों बोले? तो जैसे हमारे सिखिज्म में गुरु नानक साहब ने एक लिखा है कि सौ क्यों मंदा आखिए जित जमने राजा, तो ऐसी सोच को सलाम है कि हमारे गुरुओं की पीरों की सोच के ऊपर हमारे भाई ऐसे हम सब चल रहे। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके ज़्यादा कुछ नहीं, कि ऐसी सोच हर एक ही होनी चाहिए। हाँ चाची, इनसे पूछने का हक बनता है आप लोग मुझे? और आप क्या चाहते हैं? कितनी कितनी खुशी फील हो रही है आपको आज भतीजी आई है? एक्चुअली क्या है कि भाई जैसे ना बहुत कम लोग हैं अपने समाज में कि जो बेटियों को इतना अपडेट करते हैं, नहीं तो आज की डेट में आप सब लोगों को तो मालूम है कि बेटियों को कैसे देखा जाता है। और मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग आने चाहिए आगे और हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें ना जाना चाहिए ऐसी सोच के ऊपर कि हम लोग बेटियों को अगर आगे लेके आएंगे, क्योंकि उसी कोख से हम पैदा हुए हैं ना, वही वही माँ है ना, वही बहन, उसी कोख से हम निकले, तो उस कोख को हम बुरा क्यों बोले? तो जैसे हमारे सिखिज्म में गुरु नानक साहब ने एक लिखा है कि सौ क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा, तो ऐसी सोच को सलाम है कि हमारे गुरुओं की पीरों की सोच के ऊपर हमारे भाई ऐसे हम सब चल रहे। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके ज़्यादा कुछ नहीं, कि ऐसी सोच हर एक ही होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान की ऐसी सोच होनी चाहिए कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों के लिए इतना करो। और जितना मैं तीन दिन से देख रहा हूँ कि जितना इन्होंने बेटे के ऊपर शायद होता तो शायद थोड़ा बहुत कम कर लेते कंजूसी, लेकिन बेटी के ऊपर नहीं की है। ये सबसे बड़ी मुझे बात लगी कि जब भी फ़ोन किया जा मिले तो शॉपिंग में कुछ ना कुछ लेके आ रहे कर रहे, तो ऐसा हर एक की सोच बननी चाहिए, ये मैसेज है सब लोग। ये मोंटू जी हमारे चाचा जी हैं, इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बस लक्ष्मी की पूजा हम रोज करते रहते हैं, आजा 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 आ जाइए है, तो बस उसको सेलिब्रेट करना है, बाकी बात है। अच्छा मोंटू जी दारू से सेलिब्रेट करेंगे, करेंगे? ये तो चाचा से पूछो भाई, तीन दिन से सेलिब्रेट के बारे में चल रहा है। सेलिब्रेट तो ऐसी होती है कि भाई जिनकी बेटी हुई है वही लक्ष्मी बांटे, उसी से काम होगा। तो आगे आपने भी सोचा है लक्ष्मी आएगी घर में तो क्या नाम हो? वो सब ये जैसे बता चुके हैं कि नहीं, गुरुद्वारे में जाके ही बारे में बताइए ना थोड़ा कि घर में आपने क्या सोचा है, मतलब बेटा या हमारे में? देखो हमारे में तो वही बात होती है कि जब तक गुरुद्वारे जाके नाम नहीं निकालते तब तक नाम रखे जाते ही नहीं, ना सोचे जाते हैं, तो जब तक हम गुरुद्वारे जाते तब तक कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा इसके बारे में। सर लड़कियों के प्रति आपकी बहुत ब्राइट सोच है, तो अगर मैसेज देना चाहें जो लोग देखें इस क्लिप को और मैसेज देना चाहें लड़कियों के प्रति, क्या मैसेज? बस भाई यही बोला है लड़कों को, लड़कियों को लेके भाई ठीक है, आप लोग लड़कों को प्यार करते हैं, मेरा कहना यही है कभी कोख में बच्ची मत मारो यार, एक किसी कोख से आप भी पैदा हुए हो, अगर उनको किसी ने मारा होता तो तुम कहाँ से होते बताओ ना? अगर आपकी माँ को पहले किसी उनके पिता ने मार दिया होता तो तुम कहाँ से होते? तो इसलिए बच्चों को कोख में मत मारो, बच्चों को प्यार करो, पढ़ाओ लिखाओ, इस काबिल बनाओ कि आपका नाम रोशन कर सकें। आज बेटियाँ कहाँ नहीं पहुँची, हर जगह पर बेटियाँ हैं भाई, यही कहना है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि लक्ष्मी का वास जो है नसीब वालों को होता है, जो हमारे घर में हुआ है आज। और जो बेटियों की जो बात चल रही थी, तो मेरे ख्याल से भाई ने बताया कि लक्ष्मी का जैसा हम लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वैसे लड़कियों का भी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि लड़कियां अब किसी भी माध्यम से मतलब पीछे नहीं है, जो एजुकेशन हम लोग जो लड़कों को देते हैं आज वही सेम उनको देना चाहिए। जैसे भाई की सोच है कि जो वो पढ़ना चाहे, जो वो फील्ड चुनना चाहे, वो मैं उनको कराऊंगा और उनके मन से कराऊंगा। तो ये सोच हम लोग को सब लोग को मतलब कि लड़की के प्रति करनी चाहिए। और लड़कियाँ वैसे भी मतलब कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अभी अपने देश में आगे बढ़ रही है, ऐसे भाई की सोच जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलनी चाहिए आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, भाई के माध्यम से,
और लड़कियों के बारे में जो सोच है उसमें बदलाव आना चाहिए और लड़कियों का मतलब कि आगे लड़कियों के प्रति सोच बढ़ानी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? ये भाई सुनील है, मेरा भाई छोटा, और ये स्पेशल हरियाणा से आया है। सबसे पहले तो भाई साहब अगर बेटी हुई है उसकी शुभकामनाएं, और बेटी मेरे पास भी है, मतलब दो बेटियां हैं मेरे घर में, लड़का भी है बेटा भी है, तो बेटियों को पूरी आज़ादी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज़ पर ऐसा हो सकता है भाई, बेटे की डिमांड पूरी नहीं होगी लेकिन बेटी की जरूर पूरी होगी भाई। डंडा देके रखता हूँ इसको इस बात पे।